सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है जानते हैं? सच करिएगा, एक पत्रकार तो अलग बात है, एक भारतीय होने के नाते सरकारी स्कूल को देखते हैं ना तो कलेजा फट जाता है, और इंदरवा स्कूल में आते हैं ना तो मन क्या कहे गदगद हो जाता है। शिक्षकों की घोर कमी है तो खोजते हैं कि और कौन काम है करा लीजिए। शिक्षकों की तो यहाँ घोर कमी है, शिक्षक की तो है कमी। उस वक्त कुछ वर्ष पहले डॉक्टर ये डीएम रंजीत सर आए थे आपके विद्यालय में, काफी स्वागत गांव वाले ने किया था, शिक्षकों की कमी का रोना रोया गया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। हाँ तो वो कहे पदाधिकारी को कि डिप्टेशन कर दीजिए। अब डिप्टेशन में वो बात भाई आ गई, बात चली गई। वर्तमान डीएम भी आए थे, वो भी आए थे, वो भी कहे टीचर की कमी को पूर्ति कर दीजिए, डीडीसी साहब को कहे, डीओ साहब को कहे। मैंने वो भी फरियाद ही लगता है करते हैं। नहीं वो तो आदेश करते हैं लेकिन कोई तो डीएम का भी आदेश नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, अब हमसे पूछते हैं कि किनका डिप्टेशन कर दें, उस तरह के शिक्षक कोई पढ़ाने की मंशा रखने वाले हो तभी ना हम। आप यहाँ सुनते हैं कि शिक्षक लोग आने से भी डरते हैं? अभी तो हम नहीं कहेंगे, हमको नहीं जाना, ड्यूटी करवाते हैं ना, ना जानकारी है हमको। अभी तो कुछ प्राइवेट शिक्षकों के भरोसे जी जी उसी पर चल ही रहा है, उसी पर चल रहा है। सीतामढ़ी के डीएम साहब आप अगर देखते हैं, फुर्सत अगर आपको मिलती हो काम के बोझ से, तो निश्चित तौर पर ये प्राचार्य हैं और आप मिल चुके हैं, और यहाँ लगातार पहले भी हम कवरेज करते रहे हैं, मुझे लगता है कि कई वर्षों से हम आते रहे हैं। एकमात्र विद्यालय है यहाँ इंदरवा का जहाँ पर इतना सुंदर व्यवस्था है, और यहाँ के पंचायत के मुखिया है, महिला मुखिया है, जो नाला का निर्माण करवा रहे हैं, अंदर बाथरूम का भी काम करवा रहे हैं। यहाँ शिक्षकों की घोर कमी है, प्राइवेट शिक्षकों के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है, कुछ सरकारी शिक्षक जो है वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर अभाव के बावजूद में भी भिखारी मौतों सर प्रयास करते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन बिहार में ऐसा विद्यालय नहीं मिलेगा जल्दी, और इक्का दुक्का कहीं हो तो अलग बात है। तो डीएम साहब आपसे अनुरोध है कि आप बिहार सरकार के कामों में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं आपके विकास की गाथाएं, अच्छा है आपको, आपको जो जवाबदेही मिला हुआ है आप उसको काम को करते हैं, तो कम से कम कभी यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डीएम रंजीत सर चले गए, उसके बाद कई डीएम बदले, कुछ नहीं हुआ, आप हैं, आप आए थे, काफी कुछ यहाँ देख रेख कर गए हैं, बावजूद इसके अगर यहाँ विद्यालय में कुछ शिक्षक नहीं आते हैं तो बड़ा दुख का विषय है। आपसे अनुरोध है, आप तो एक पावरफुल शक्तिशाली अधिकारी है, जिला में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कई डीएम के आने के बावजूद भी अगर यहाँ शिक्षक नहीं आए हैं तो अब फिर जाए तो जाए कहाँ, किस मंदिर में मत्था टेके, कहाँ अनुरोध करें, कहाँ विनती करें, जब जिला के सिरमौर अधिकारी के आने के बावजूद भी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। खैर, यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, लगातार प्रयास किए हैं, मैं भी इज्जत करता हूँ, गुरु का पद मिला है, गुरु का पद भी मिला है, भिखारी महतो मतलब गुरु कुल के गुरु जी। हम शिक्षा का यह मंदिर है, ये विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ अगर आप काम करवाते हैं, यहाँ विकास करवाते हैं तो आपके ही बच्चे, आपके समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और यह बेहद जरूरी है, सीखना चाहिए इंदरवा के मुखिया से, महिला मुखिया है, सीखना चाहिए तमाम मुखियागणों को। यहाँ देखिए क्लास में आने से पहले चप्पल बाहर रखा जाता है, और इस तरह से थोड़ा सा आगे आइएगा अविनाश सर, ये नाला का निर्माण कराया गया है, और ये ढलाई देखिए, ये पंचायत के मुखिया काम करवा रही हैं, और ये सरकारी स्कूल है, विद्यालय में काम करवा रही है, सभी मुखियागणों को इसे सीखने की जरूरत है, जो काम करवा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करवा रहे हैं जरूर सीखिएगा। ये नाला का निर्माण है, और ये पानी जो है कहाँ निकल के जाएगा सर? वहाँ मेन नाला में अटैच होगा, तो ये मेन नाला में अटैच हो गया, पानी बाहर निकल गया, विद्यालय में पानी नहीं टिकेगा। और ये जो है साइकिल स्टैंड है आपका, और ये भी साइकिल स्टैंड है, ये मैदान है खेलने का, चारों तरफ हरियाली से पेड़ पौधा है, क्योंकि इससे पहले कई कहानियां कई बातें हम दिखला चुके हैं। कैसा लग रहा है सर यहाँ के मुखिया जो है, क्योंकि हम मुखिया जन पंचायत में क्या होता है हम अच्छी तरह, हो सकता है अन्य काम वो कैसा करते हम नहीं जानते, लेकिन शिक्षा के मंदिर काम बहुत अच्छा, घर में जैसा काम होता है उससे बेटर काम कराए हैं, हम नहीं कर पाएंगे अपने घर में भी नहीं कर पाएंगे उस तरह का, शौचालय का टाइल्स महंगा लगाना, मजदूरी बढ़िया दे करके, एक इसके बाद वो कभी खोजबे नहीं किए कि आप सीमेंट कितना खर्च कर रहे हैं, बालू कितना लगा रहे हैं, गिट्टी कितना दे रहे हैं, खोजबे नहीं कि हम अपनी देखरेख में काम कराएं। ऐसे में तो आप साधु स्वभाव हैं। कि बहुत हो गया शानदार बिल्डिंग, एक बार कैमरा नजर घुमा दीजिएगा, इंदरवा उत्क्रमित उच्च विद्यालय हो चुका है, मध्य विद्यालय सब उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारहवीं तक जी। बाथरूम जो बन रहा है उसको थोड़ा सा दिखलाइएगा, ये नाला तो हो गया और ये बाथरूम का निर्माण हो रहा है, और यह सर ये क्या है बोर्ड, रामचंद्र पूर्वे जी का बोर्ड लगा हुआ है, हॉल उनके मत से बना हुआ है, हॉल मत से बना हुआ है, पुस्तकालय भवन,
चलिए उस समय ये क्या थे ठीक। और ये गली में हम आए गए हैं स्कूल के विद्यालय के, हम इसलिए दिखलाना चाह रहे हैं कि बिहार के तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि खासकर मुखियागण, देखिए देखिए मुखिया जी काम करवा रहे हैं। एक बार मुखिया जी का नाम तो, हालांकि मुखिया जी बहुत लोग, मुखिया जी लोग नाराज भी हमसे रहते हैं, पंचायत की खबर दिखला दिया करते थे और अभी भी दिखला दिया करते हैं जब भी मौका मिलता है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि सब दुख लक्ष्मी अरे, लेकिन यहाँ के मुखिया जी का एक बार नाम बताइए तो, मुखिया जी का विदला देवी। हाँ जी, विदला या बिंदला? विदला देवी है। और ये क्या मुखिया जी इसमें करवाए? पूरा शौचालय का निर्माण की है बढ़िया ढंग से, पहले जीर्ण शीर्ण था पूरे का, टाइल्स लगवाए, प्लास्टर कराए, नीचे ढलाई कराए, रूम में अपना गेट लगवाए, शौचालय पूरा निर्माण करवाए हैं, पूरा गेट भी लगवाए हैं। ये आप क्या हुए, क्या है आप? ये हम इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दोनों का काम बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राम सुविधा प्रसाद है। गांव घर कौन हो गया? कटिया हमारा घर हुआ। तो इसी पंचायत में आप हैं? जी इसी पंचायत में, हम इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के काम करते हैं, मुखिया जी द्वारा हमें बोले गए हैं इसलिए हम ये काम करते हैं। कैसा लग रहा है सरकारी स्कूल में मुखिया जी काम करवा रहे? बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं मुखिया जी, बहुत ही अच्छे काम करवा रहे हैं स्कूल के माध्यम से खास करके। और स्कूल का भी व्यवस्था देखिए कितना बढ़िया है, कितना अच्छा से लड़का यहाँ पढ़ रहे हैं, सभी शिक्षा अच्छा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है तो यहाँ तो ये काम करवाना पुण्य का काम भी होना चाहिए। एकदम सर, पुण्य के काम है। तो बिहार के सभी मुखिया देखिए, खासकर सीतामढ़ी जिला के समरसा प्रखंड के सभी पंचायत के सभी मुखिया देखिए यहाँ मुखिया जी कैसे काम करवा रहे हैं। आपको भी सरकारी स्कूल में ध्यान देना चाहिए, सरकारी स्कूल की हालत कैसी है जानते हैं? सच करिएगा, एक पत्रकार तो अलग बात है, एक भारतीय होने के नाते सरकारी स्कूल को देखते हैं ना तो कलेजा फट जाता है, और इंदरवा स्कूल में आते हैं ना तो मन क्या कहे गदगद हो जाता है। सर इसमें जी इसमें कुछ योजना है जो सर मुखिया जी के सरकार द्वारा मिला गया है, लेकिन इसमें कुछ जो ये आप दिखाइए सर ऊपर। अच्छा ये जो ऊपर का जो काम है सर, वो अपने निजी कोष से अपना पैसा लगाकर, इसको मुखिया जी को ऊपर से कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, जो अपने पैकेट से पैसा खर्चा करके। और बार बार ये बोल रहे हैं कि भिखारी सर को यह बता रहे हैं कि सर और कुछ काम है, फंड हमें मिले ना मिले, लेकिन जब हम मुखिया है 5 साल के लिए है, जो भी काम है स्कूल के लिए आप बोलिए बेचे खोकर कि जो भी करना होगा हम करेंगे, और अपने पैकेट से भी बहुत सारे पैसे इसमें अगला आपको नहीं। 1 लाख रुपया है ये पूरा शेड निर्माण से लेकर बिजली, एग्जॉस्ट फैन, बल्ब, नल, टंकी, 1 लाख से कुछ अधिक रुपया उनको खर्च हो जाएगा अपने से। मतलब कि जिस समाज के लोगों ने उनको मुखिया बनाया और समाज के जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए वो इतना कर रहे हैं। शाम है आपको, महिला मुखिया है आप, ईश्वर करे कि हर घर में ऐसी महिलाएं हो और इस तरह की महिला जनप्रतिनिधि जीत कर आवे। देखिए आपकी बाकी कामों को हमने नहीं देखा है, उस पर हम कोई जजमेंट नहीं देंगे, लेकिन यहाँ जरूर कहेंगे कि सैल्यूट करते हैं आपको कि आप शिक्षा के मंदिर में काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इंदरवा स्कूल है, इंदरवा का वह विद्यालय जिसे गुरुकुल कहा जाता है, लेकिन दुख है कि डीएम रंजीत कुमार से लेकर वर्तमान डीएम तक आए लेकिन यहाँ शिक्षक महोदय नया नहीं आए। कम है निजी शिक्षकों के भरोसे भी स्कूल चलता है, जो स्कूल के शिक्षक है वो पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट से शिक्षक है वो काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है इंदरवा गांव के ग्रामीण, आपको तो बार बार सलाम है। सबसे पहले इस गांव के बारे में आज से कई वर्ष पहले हमने खबर लिखा था कि इंदरवा गांव के ग्रामीणों को सलाम, जो एक एक व्यक्ति खड़े रहते हैं इस स्कूल के गुरुओं के साथ कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, सीखिए। भले ही इनको राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला, लेकिन देश के जितने भी जिम्मेदार हैं, और आग्रह करेंगे राष्ट्रपति महोदय आपसे भी कि कम से कम उन गुरु को जरूर आपका सम्मान मिलना चाहिए जो निस्वार्थ निष्पक्ष भावना से बच्चों की सेवा करते हैं, पढ़ाते हैं, गुरु कहलाते हैं, सेवानिवृत्त से के नजदीक में आया है, ये अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलते हैं, ये कुर्ता धोती पहन करके पैजामा पहन करके नेतागिरी नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं होता है पढ़ाई के सिवा। इसलिए हुजूर ऐसे लोगों पर जरूर ध्यान दीजिए, वरना ईश्वर भी क्या कहें दुखित होते होंगे। बिहार के तमाम मुखिया खासकर सीतामढ़ी जिला के ये सुनवर्षा प्रखंड में और तमाम मुखिया के लिए एक संदेश है। मुखिया जी स्कूल में, ये इंदरवा पंचायत के मुखिया जी स्कूल में कुछ बेहतर काम करवा रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं,
अंदर बाथरूम वगैरह में बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम आपको आगे दिखलाएंगे। तमाम मुखिया जी को कम से कम ये दिखलाएंगे, ये गुरुदेव है, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, भिखारी महतो जी सभी लोग जानते हैं, गुरु मतलब भिखारी महतो जी। और सभी मुखियागण आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप देखिए कि सरकारी स्कूल में यहाँ के मुखिया कैसे काम करवा रहे हैं। इस वक्त यहाँ मुखिया नहीं है, लेकिन उनके पीछे में भी हम कवरेज कर रहे हैं कि स्कूल के हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर काम करवा रहे हैं और किस तरह का काम करवा रहे हैं, आप भी देखिए और सीखिए और अपने स्कूल में इसलिए काम करवाइए क्योंकि आपके गाँव के बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पिता ने, इनके अभिभावकों ने, जिनके माँ बहनों ने वोट देकर आपको मुखिया बनाया है। तो संस्था ये शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी विद्यालय है वहां जरूर विकास कराइए। पहले यहाँ नाला दिखवाइएगा, नाला का निर्माण हो रहा है सर, निर्माण हुआ है जी जी सर जी। तो ये किसके फंड से हो रहा है? ये मुखिया जी करा रहे हैं। तो ये इंदरवा स्कूल में आखिर जनप्रतिनिधि इतना काम कर रहे हैं, लेकिन बंद जगह तो स्कूल के हेडमास्टर साहब चिल्लाते रहते हैं कि देखिए हमारे स्कूल में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं आपका, जबकि उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय तक मुखिया जी लोगों को करना है। ये गली एक पूरा गली जहाँ जहाँ रास्ता है ये गली हाँ पूरा ढलाई करा है, ये पूरा ढलाई करवाए हैं, पूरा पूरा एकदम जहाँ रास्ता है सब मिट्टी कर। ये इंदरवा स्कूल है, इंदरवा स्कूल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ शिक्षा खास सरस्वती जो है सीधा सीधा माँ सरस्वती वास करती है और यहाँ के बच्चे अनुशासित है। यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियां बता चुके हैं, कवरेज कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि है। क्या नाम है यहाँ के मुखिया जी का? बिदला देवी। क्या? श्रीमती बिदला देवी। उनके काम काज उनके पति देखते हैं? उनका जो लड़का है श्याम ठाकुर जी देखते हैं जी। तो ये जो है चूंकि महिला जो है तो एजेंट है, उम्र दराज है कि उनका तो उम्र ज्यादा है, मतलब वो मुखिया है और वो भी आती हैं, उनके पुत्र भी यहाँ देख रेख करते हैं। लेकिन ये आपका जो इंदरवा स्कूल है इसमें ढलाने का या नाली का काम करवा रहे हैं ना? ये चारों तरफ सर एक बार कैमरा घुमा कर अविनाश सर दिखाइएगा कि किस तरह से देखिए यह इंदरवा स्कूल है, ये सड़क को ढलाया गया है, अन्य स्कूल के लोग चिल्लाते रहते हैं और हम स्कूल के तमाम ये शिक्षक से हेडमास्टर साहब से भी कहेंगे और साथ ही मुखियागण से भी अनुरोध करेंगे कि शिक्षा का यह मंदिर है, ये विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ अगर आप काम करवाते हैं, यहाँ विकास करवाते हैं तो आपके ही बच्चे, आपके समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये बेहद जरूरी है, सीखना चाहिए इंदरवा के मुखिया से, महिला मुखिया है, सीखना चाहिए तमाम मुखियागणों को। यहाँ